आज अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, ये शर्म की बात है हम हिंदुओं के लिए भी कि आज हिंदू जो है प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। ये तो प्रतिक्रिया हम नहीं दे रहे हैं उसके बाद हमारा ये हाल है। आप सोचिए अगर हमने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी तो उसके बाद क्या हाल होगा। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आप देश के अंदर बना रहे हैं तो केवल ऐसे ही नहीं जैसे आपने 1956 के अंदर परिवार नियोजन बना दिया और उसके बाद हिंदुओं ने तो अपनी जनसंख्या कम कर ली, मुसलमानों ने लगातार उसको तीव्र तरीके से जनसंख्या को लगातार बढ़ाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कठोर कानून का मतलब कठोर कानून यानी कि बुलडोजर चलने वाली स्थिति। आज जब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं देश के अंदर तो सबकी छाती पर सांप लौट रहे हैं जिहादियों की। अगर जिहादियों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं तो जितने भी वामपंथी हैं, जितने भी कम्युनिस्ट हैं, सबकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। सारे चाहते हैं, मैंने आपसे बताया था ना कि सिर्फ ये टोपी बदलने का इंतजार कर रहे हैं, इन पे कुछ नहीं जाता, ये सिर्फ टोपी बदल देंगे। लेकिन जो एक आम हिंदू है उसकी इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी बहन बेटियों की इज्जत लुटवाकर उन्हें इसकी कीमत चुकवानी पड़ेगी। आज इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक कट्टरपंथी सोच वाला हिंदुओं के लिए सर्वनाश का कारण बनेगा और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब कई जगह ये वाली बात आता है, जैसे आपने ओबीसी का भी अभी लिया था कि अल्पसंख्यक के विषय में बड़ा उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। क्या हो रहा है, किसने अत्याचार करा? भीड़ इकट्ठा करके कौन पत्थर फेंक रहा है, कौन पत्थरबाजी कर रहा है? अभी तक मुझे कोई भी प्रमाण ला के दे दे, क्या हिंदू किसी भी हिंदू संगठन ने, हिंदू समाज ने क्या किसी एक स्कूटी को भी आग लगाई? किसी मस्जिद के ऊपर क्या एक भी पत्थर फेंका गया? क्या किसी के घर में आग लगाई गई, किसी की दुकान को आग लगाई गई? कौन दुकानों में आग लगा रहा है, कौन रास्ते में सड़क पे वाहनों को कौन ख़त्म कर रहा है? यहाँ तक कि जो बातें छिपाई जाती हैं, जो सड़क पे से जो गाड़ियाँ निकल रही थी उनमें जो महिलाएं बैठी थी उनके वस्त्र तक खींचे गए हैं, उसमें ये छुपाया जाता है। ये सब कौन कर रहा है? ये अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार है। अगर ये अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार है तो अत्याचार की परिभाषा शायद हम लोगों को बदलनी पड़ेगी। आज अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, ये शर्म की बात है हम हिंदुओं के लिए भी कि आज हिंदू जो है प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। ये तो प्रतिक्रिया हम नहीं दे रहे हैं उसके बाद हमारा ये हाल है। आप सोचिए अगर हमने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी तो उसके बाद क्या हाल होगा। आचार्य जी, इस समय लगातार जो पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं और दिल्ली दंगों में भी जिस तरीके से हमने देखा कि पत्थर और छोटे छोटे जैसे ब्लेड नुमा जो लोहे के स्क्रैप की दुकानों पे जो मटेरियल मिलते हैं, मैंने कई वो डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखे, काफ़ी विश्लेषणात्मक डॉक्यूमेंट्रीज इस विषय पर बनी और उनमें ये चीज़ भी दिखाई गई कि किस तरीके से मतलब अपराधी किस्म के अराजक लोगों ने, जिहादी लोगों ने अपनी छतों पर छोटे छोटे पत्थरों का जमावड़ा बना रखा है, पेट्रोल बॉम्ब्स। तो इस तरीके के सैकड़ों हज़ारों की संख्या में हथियार एक एक घर की छत पर यदि हैं तो ये और ये पत्थरबाजी की घटनाएं एक विशेष पैटर्न में कभी जम्मू कश्मीर में होती थी, आज पूरे देश में हो रही हैं। ये तो आचार्य जी इस पर आप मतलब कुछ मैं चाहूँगा प्रकाश डालिए और क्या है ये मामला। शिवम जी, आपका जो प्रश्न है वो पूरे हिंदू समाज को इसको आज सुनने तो मेरे ख्याल से उसका लाभ हो जाएगा, उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा अगर इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, पूरे अपने हिंदू समाज को बताना चाहूँगा कि पत्थर का और इस्लाम का बहुत गहरा संबंध है, बाप बेटे जैसा संबंध है अगर हम कहें तो, पत्थर का और इस्लाम का। वो कैसे आचार्य जी? बताता हूँ आपको, बिल्कुल बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि ईद के मौके पर जो इनका मक्का मदीना है वहाँ पर शैतान को ये पत्थर मारते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं। तो इनके कुरान और हदीस के अनुसार जो मूर्ति पूजक हैं वो भी शैतान का ही प्रारूप हैं, समझ रहे हैं? मैं हिंदू समाज से ये बताना चाहता हूँ कि जो इस्लाम के अनुसार जो हिंदू हैं, जो काफिर हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, कृष्ण की उपासना करते हैं, देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वो काफिर हैं और काफिर जो है वो शैतान का प्रारूप है, उसको पत्थर से मारना चाहिए। तो आप जो देख रहे हैं कि पूरा का पूरी दुनिया में पत्थरों का प्रयोग होता है, सबसे पत्थरों के पीछे तो कारण ये है। दूसरा, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं वो भी ज़रा समझ लें इस बात को कि जितने भी काफिर हैं, काफिर की और अल्लाह को मानने वालों की कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ने साफ साफ इनको मना करा हुआ है कि काफिर के साथ कोई दोस्ती नहीं करनी।
जब काफिर को कत्ल करने तक की इनके यहाँ पे सजा देने की बात कही हो, तो आप दोस्ती की बात कर रहे हैं वहाँ पर? हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ये बड़े शर्म की बात है कि हमारा हिंदू समाज स्वयं भी मूर्ख बन रहा है, क्योंकि इस्लाम में हिंदू तब तक मुसलमान का मित्र नहीं हो सकता जबकि वो इस्लाम स्वीकार ना कर ले या अल्लाह को स्वीकार ना कर ले, फिर वो हिंदू रह ही कहाँ गया? हाँ, तो बस वही बात है ना, कि अगर वो सबसे पहले उसे मुसलमान बनना पड़ेगा, अपना धर्म त्याग करना पड़ेगा, उसके बाद वो मुसलमान बन जाएगा तो वो मुसलमान से मित्रता कर सकता है, उससे पहले तो वो शैतान का प्रारूप है। काफिर का घर लूटने को शबाब का काम माना गया है। तो जब आपकी जिहादी शिक्षाएं आपके मदरसों में 3 साल के बच्चे को ये सिखाई जा रही हो, तो आप मित्रता की अपेक्षा करते हैं समाज से, और आप कहते हैं कि हिंदू समाज जो है मुस्लिम समाज पर जो है अत्याचार कर रहा है। आज जो देश के अंदर आप देख रहे हैं वो क्रिया की प्रतिक्रिया आज आप देख रहे हैं। क्या आप कितने चांटे खाएंगे मुंह पर? एक चांटा खाओगे, दो चांटा खाओगे, यहाँ तो गोलियां मारी जा रही हैं, गर्दनें काटी जा रही हैं। अभी हैदराबाद के अंदर एक दलित समाज के, ये ओवैसी, ये वही ओवैसी है जो आज दलित समाज को साथ लाने की बात कर रहा था। आज हैदराबाद के अंदर एक दलित समाज के लड़के की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो मुस्लिम लड़की से प्रेम विवाह किया केवल इसका। नागराजन उसी केस की बात कर रहे हैं ना चले जी आप? हाँ, खुलेआम उसकी नृशंस हत्या कर दी गई, और जो मीम भीम एकता की बात करते हैं वो लोग इस समय कटी जवान के साथ बैठे हैं। मैंने आपसे कहा कि हिंदू समाज जो गैर मुस्लिम है, जब तक वो इस्लाम नहीं स्वीकार कर सकता तब तक वो गैर मुस्लिम वो दोस्त नहीं हो सकता। ये सिर्फ हिंदू समाज का मूर्ख बनाने वाली बात है। मैं कितने से बड़ा बड़ा मौलवी हो, मैं उसके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ कि बता दे अगर कुरान में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि काफिर को कत्ल कर दो, बताए ऐसे शब्द नहीं लिखे हुए कि काफिर का माल लूटना भी शबाब का काम है, काफिर का माल लूटो। क्या बात कर रहे हैं आचार्य जी, बिल्कुल तथ्यात्मक बातें हैं। लेकिन मैं फिर भी अपने हिंदू समाज से ये कहना चाहूँगा कि इतना सब कुछ आपके सामने हो रहा है और आँख बंद करके हिंदू समाज बैठा हुआ है, क्या हम आने वाली पीढ़ी को समाप्त करना चाहते हैं? क्या इस इतने सुंदर देश को, इस आर्यव्रत को खंड खंड खंडित करना चाह रहे हैं आज हम? तो आज हिंदू समाज को विचार करना पड़ेगा आचार्य जी। हिंदू समाज तो आज बॉलीवुड गानों पर बने हुए भजनों पर नाचने में व्यस्त है। हिंदू समाज तो आज जिसे कहते हैं कि रामलीला में खूब खर्चा करेंगे, रामलीला में खूब खर्चा करेंगे, तमाम जो हमारे यहाँ जो मर्चेंट कम्युनिटी के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, खूब रामलीला कमेटी बनाते हैं, लंबी चौड़ी मोटी रामलीला करते हैं। और लेकिन बात यह कि दिखावा बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, लेकिन अगर पूछा जाए कि गुरुकुलों के लिए कितना दान कर रहे हैं यही लोग, और मतलब ऐसा नहीं कि पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं हिंदू समाज के पास, लेकिन उसका एक सही डायरेक्शन नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस समय जो हमारे देश का जो संत समाज है, जो इस देश के बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन लोगों को भी हिंदू समाज को कहीं ना कहीं दिशा निर्देशित करना होगा। और हिंदुओं का समाज पे जो फंड खाने वाले जितने लोग हैं ना, आप भली भांति जानते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं, तो वो जो लोग हैं ना उनकी इस समय ठुकाई करना बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ उनको एक्सपोज करना बड़ा आवश्यक है। अब क्या होता है कि अगर देश में आज कोई भी बोल जाए कि कुछ भी, तो देश में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप तो भाई देश विरोधी हैं, अभी आप जो है आप हिंदू विरोधी हैं। अब मैं रामलीला के विरोध में नहीं हूँ, मैं इस बात के विरोध में हूँ जब एक वॉर टाइम सिचुएशन चल रही होती है तब आप लग्जरीज के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं, जब देश में युद्ध की परिस्थिति होती है तो जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं अपनी टूटती हुई बिखरती हुई सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, उनके लिए दान दक्षिणा करी जाती है, ना कि मेलों के लिए और नौटंकियों के लिए और ड्रामों के लिए। ऐसा मेरा पर्सनली मानना है आचार्य जी। कहीं ना कहीं शिवम जी, हमारा जो हिंदू समाज है जिसे हम तथाकथित पढ़ा लिखा समाज कहते हैं, कहीं ना कहीं वो भ्रमित हो रहा है। आज उसके पास एक ही विषय है कि वो सुबह उठता है, उसे पता है कि मुझे अपने नौकरी पे जाना है, किसी व्यापार के काम से जाना है, उसके बाद वो अपने आके घर आके खाना खा के टीवी देख के वो सो जाता है। वो संवेदनहीन होता चला जा रहा है, वो टीवी के चैनल बदलने को ही सब कुछ मानता है कि वो कहीं एक मिनट में न्यूज़ देखता है, दूसरे मिनट में वो न्यूज़ चैनल देखने लगता है। कहीं ना कहीं उसका जीवन जो है एक सीमित बन गया है, उसके आसपास क्या घटनाएं हो रही हैं उससे वह परिचित नहीं है, जिसका दुष्परिणाम उसे आगे आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि वहाँ पर नाम मात्र हिंदू रह गए हैं,
आज क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने हिंदू समाज से, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या कोई जाकर अफगानिस्तान में जाकर कोई व्यापार कर सकता है? भारत सरकार ने भी करोड़ों हजारों रुपए की परियोजनाएं वहां पे शुरू करी थी, सब खत्म होगी, तालिबानियों ने सब खत्म कर दिया, बड़े बड़े पुलों की शुरुआत करी, सब खत्म कर दिया, सब लाइब्रेरी बना रहे थे मोदी जी वहां बैठ के, लाइब्रेरी बना रहे थे, बहुत सारी चीजें, बहुत हजारों करोड़ों की स्कीमें उन्होंने वहां पर शुरू करी थी, सब खत्म हो गया ना, इस्लामिक जिहाद सबको खा गया।